हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल लास्ट वीडियो जो मैंने नो no नोमोर से रिलेटेड डाला था जो मैंने टेस्ट क्लियर किया था उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है और काफ़ी लोग मेरे को मैसेजेस मेल या फिर कमेंट्स uh, में बोल रहे हैं कि uh, मैं इसका और डिटेल में वीडियो डालूं कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि विजुअल इन्हांसमेंट और ब्रश अप कैसे करना है उसका भी डालूँ लेकिन फिलहाल अभी मैं बहुत बिजी हूँ तो अभी ब्रश अप एंड विजुअल एनहेंसमेंट एक वीक तक तो मैं नहीं डाल सकती एक से दो वीक तक तो मैं नहीं डाल सकती हूँ तो इस वक्त अभी जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये गाइडलाइंस हमें रिसीव होता है जब भी हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं तो हमें गाइडलाइंस डाउनलोड करना पड़ता है टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने भी काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस देखे थे तो अभी तक मेरे को जितना पता है दो ही गाइडलाइंस मिलते हैं एक ये होता है और एक दूसरा होता है लेकिन दोनों में मोरोलेस सेम ही चीज़ होती हैं तो जो बेसिक है अगर आप ये समझ लिए गाइडलाइंस उनके आपको समझ में आ गया तो आप टेस्ट बहुत ही ईजिली क्लियर कर सकते हो तो आइए आपको वन बाई वन गाइडलाइंस समझाते हैं ये जो आप देख रहे हैं ये स्लाइड फ्रेम है ये आपको एक फ्रेमिंग देते हैं और आपसे कहते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो इसमें फिट पिक्सल परफेक्ट अलाइन होना चाहिए मतलब आप जो भी यहाँ पे कंटेंट आप डालेंगे कुछ भी आप कंटेंट डाल रहे हैं टाइटल के अलावा वो इस बॉक्स में आना चाहिए और इस बॉक्स के चारों साइड में वो फिट होना चाहिए मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट में तो इसके लिए जैसे आप आप दो चीज़ कर सकते हैं या तो आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्लाइड जैसा कि मैंने पहले भी सजेस्ट किया था कि आप हमेशा गाइडलाइन में एडिट करिए आपके लिए बहुत इजी होगा अगर आप एकदम प्रो नहीं हैं एकदम से प्रो नहीं है तो आप इसी में एडिट करिए आपके लिए बहुत इजी होगा ये मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया ठीक है अब ये अंदर का मटेरियल मैंने डिलीट कर दिया और इसका कलर देखें तो कलर मैंने चेंज किया नो no फिल अब ये हमें एक बॉर्डर मिल गया इस बॉर्डर के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं ये एक तरीका ये बेसिक है बट इससे भी अच्छा बेटर तरीका क्या है ये पहले मैंने डिलीट किया बेटर वे क्या है कि आप व्यू में जाइए और ये यहाँ से रूलर और गाइड्स ये ऑन कर दीजिए अब आप जैसे देख सकते हैं कि ये आपको ये जो डॉटेड लाइन ये देख रहे हैं इसी के अंदर कंटेंट है अगर आप न्यूज स्लाइड भी बनाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये अपने न्यू स्लाइड बनाया तो ये जो आप जैसा ये रेड बॉक्स देख सकते हैं इसके अंदर ही आपका कंटेंट आना चाहिए फॉर एग्जाम्पल अब सपोज मैंने यहां पिक्चर डाला तो अब जैसा कि आप देख सक रहे हैं कि ये डॉटेड लाइन के अंदर फिल हुआ है तो इसे हम कह सकते हैं कि फिट पिक्सल परफेक्ट ये अलाइंट है केस सपोज ये यह यहाँ से थोड़ा सा राइट साइड से थोड़ा सा ज़्यादा हो तो आप ये ये साइड देख लीजिए और ये साइड देखिए इन दोनों साइड में अगर आप देखेंगे तो ये डॉटेड लाइन को एक्सीड कर रहा है तो यहाँ पे इस वजह से रिजेक्ट होने का बहुत बड़ा चांस है कि अगर आप ये गड़बड़ करते हैं तो आप ज़रूर से रिजेक्ट हो सकते हैं ये गाइडलाइन का पहला पार्ट था गाइडलाइन के दूसरे पार्ट पे आते हैं कलर्स नॉर्मली यहाँ पे चार कलर्स देते हैं जो बेस कलर है और हाईलाइट्स देते हैं पर्पल मतलब कि आपको आप कुछ भी इसमें यूज़ कर रहे हैं आप अपना जो भी स्मार्ट आर्ट डाल रहे हैं जो भी आर्ट आप इसमें प्लेस कर रहे हैं वो इन कलर्स के होने चाहिए इसके अलावा आप पाँचवा कोई भी कलर यूज़ नहीं कर सकते हो और अगर उसमें आपको कुछ हाईलाइट डालना है तो आप ये कलर यूज़ करो उनका ये मतलब है अब बात आती है कि कलर कैसे यूज़ करें तो इसका दो तरीका है सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई शेप इंसर्ट कर रही हूँ ये है और इसका आप कहीं और अगर कर रहे हो इसका कलर है ये ठीक है अब इस शेप को मेरे को इनमें से कोई एक कलर सेलेक्ट करना है तो ये कलर कौन सा है मैं कैसे पता मतलब मुझे क्या पता कि ये कलर कौन सा है तो इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं आप ये लेक्ट करो अच्छा एक बात और मैं बता दूं मैं 2016 पावर पॉइंट 2016 में काम कर रही हूं बट ये जो आ, आपको ये जो दिख रहा है ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये मैकबुक पे मैं कर रही हूं मैकबुक थोड़ा सा विंडोज से अलग होता है लेकिन वो लोग सजेस्ट करते हैं कि विंडोज से करें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मैकबुक में कुछ चीज़ें आप अगर शॉर्टकट भी डालना चाहते हो वो थोड़ा मुश्किल होता है डालना तो बट मेरे पास जो है मैं उसी से कर रही हूँ तो अब इसमें हमें डालना है ये कलर सपोज़ तो अब हम कैसे डाल रहे हैं तो ये आप सिलेक्ट करो शेप फॉर्मेट पे जाओ शेप फिल पे जाओ और यहाँ पे मूव फिल कलर्स ये मैं फर्स्ट मेथड बता रही हूँ ये है आपका आर जी बी स्लाइडर्स यहाँ पे उन लोग वो लोग हमेशा आर जी बी कोड डाल देते हैं एट्टी वन फिफ्टी फोर से वन सेवेंटी फाइव यहाँ पर आप वो कोड डालिए एटी नेक्स्ट है वन फिफ्टी फोर फिर है वन सेवेंटी फाइव और फिर ओके ठीक है तो ये कलर आ गया ये हुआ फर्स्ट मेथड। अब नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं हमें सपोज ये कलर या फिर कोई सा भी कलर एक डालना है तो दूसरा तरीका ये है शेफ फिल पे जाइए मोर फिल कलर्स और आई ड्रापर ये आई ड्रॉपर होता है जो ड्रॉपर आप देख देख रहे हैं इसको आई ड्रॉपर कहते हैं इसको आप सिलेक्ट करिए आप कहीं भी घुमाइए स्लाइड के किसी भी पार्ट में घुमाइए वो कलर चूज़ करेगा अगर हम मेरे को ये जो पिलो आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में पिलो से भी कलर उठाना है वो वहाँ से भी उठा सकता है आप ऊपर रिबन से भी कलर लेना है आपको वो कलर ही सेम टू तो सेम वो ला करके कर दे सकता है तो मेरे को फ़िलहाल ये कलर चाहिए मैं यहाँ पे ड्रॉपर ले जा कर के मैंने सेलेक्ट कर लिया और फिर ओके तो ये कलर आ गया ये दो मेथड से आप कलर्स कलर्स वाले गाइडलाइन को फॉलो कर सकते हैं नेक्स्ट आता है icons. Icons में जैसे इन्होंने बता दिया है कि दो तरीके का आइकन्स इन्होंने दिया है डॉटी डॉट्स इन फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है थिन लाइन इसमें से अगर आप कोई सा भी आइकन यूज कर रहे हैं लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि पूरे स्लाइड में सेम सेट के आइकन यूज करें जैसे कि मैंने आपको जैसे वीडियो अपना वाला जो पावर पॉइंट दिखाया था उसमें छः आइकन्स मैंने यूज़ किया था तो ऐसा नहीं कर सकते कि एक में ये डॉटेड विथ लाइन यूज़ करें और दूसरे में ऐसा यूज़ करें और तीसरे में ऐसा यूज़ करें नहीं तो आइकन्स कोई सा भी यूज़ करें आइकन्स का अगर आप देखें तो काफ़ी सारे फॉर्मेट्स होते हैं डॉट वाले होते हैं थिन लाइन होते हैं थिक लाइंस होते हैं किसी में कलर्स फिल किए हुए होते हैं तो किसी में हाईलाइट पार्ट का कलर सिर्फ होता है तो गाइडलाइंस में जैसे दिया अगर गाइडलाइंस में कलर्स वाले बोलेंगे तो आपको कलर्स वाले डालने हैं यहाँ यही दो बता रहा है तो इनमें से दो ही डालें अब आइकन्स हम ले कहाँ से तो आइकन्स के लिए दो साइट है जो सबसे बेस्ट है फ्लैटिकॉन आप फ्लैटिकॉन आइकन डालिएगा तो ये फर्स्ट पार्ट जो है डब्ल्यू है इसे आप ले सकते हैं पहला फ्लैटिकॉन है और दूसरा जो आप देख सकते हैं ये आइकन सेट ये दूसरा आइकन सेट है तो आइकनस के लिए ये दो साइट है जहाँ से आप फ्री आइकन डाउनलोड कर सकते हैं पर्सनली मैं फ्लैटिकन फ्लैटिकॉन प्रेफर करती हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के आइकन हैं तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं कुछ भी जिससे रिलेटेड आपको आइकन चाहिए आप डालें और यहाँ पे आपको आइकन्स अवेलेबल होंगे अब इस टाइप के स्पॉन्सर रिजल्ट्स जो आएगा वो आप अगर डाउनलोड करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा और इधर से अगर आप डाउनलोड करेंगे तो वो आपको फ्री फ्री में डाउनलोड हो जाएगा और सपोज़ मैंने ये सिलेक्ट किया अब यहाँ पे आता है पी एन जी एन एस बी जी पी एन जी एंड एस जी इसमें से कौन सा डाउनलोड करें तो आ, नो मोर प्लेटफॉर्म जो कहता है कि आप हमेशा एस फॉर्मेट में ये एस फॉर्मेट में आइकन्स उसमें यूज़ करिए मैंने जब फर्स्ट टाइम क्योंकि ये चीज़ कहीं गाइडलाइन में नहीं दिया होता है मैंने फर्स्ट टाइम जब अपना पीपीटी डाला था तो रिटेक का ऑप्शन जब आया था तो उस वक्त मैंने पीएनजी फॉर्मेट में यूज़ किया था तो उन्होंने स्पेशली ये मेंशन कर दिया था कि एसवीजी फॉर्मेट में यूज करिए आपको एसवीजी फॉर्मेट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे फ्री डाउनलोड तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये डाउनलोड हुआ सिंपली जैसे आप पिक्चर इंसर्ट करते हैं वैसे ही आप अपना पीपीटी में ये आइकन्स इंसर्ट कर सकते हैं तो ये हो गई आइकन से रिलेटेड गाइडलाइंस नेक्स्ट गाइडलाइन पे आते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस, टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए भी यहाँ पे कर दिया गया है, सबसे शॉर्टकट में आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी आप जब भी का करें, यहाँ, पे इन्होंने किया, यहाँ, पे किया। यहाँ पे अगर आप देखते हैं जाऊं तो टेक्स्ट ऑप्शन जैसा कि आप देख सकते हैं कि वर्टिकल अलाइनमेंट जैसा कि यहाँ पे दे रखा है टॉप टॉप में है मतलब ये जो भी सेटिंग ये बता रहे हैं एग्जाम्पल में जो इन्होंने यूज़ किया है वो सेम सेटिंग है तो या तो आप अपना टेक्स्ट बॉक्स बना करके सेम टू सेम सेटिंग आप अप्लाई कर दीजिए इस इस वाले विंडो पे या फिर दूसरा तरीका है टेक्स्ट बॉक्स की जगह जहाँ भी आपको टेक्स्ट बॉक्स यूज करना है इसे कॉपी करिए और जहाँ भी आपको यूज़ करना है पेस्ट करिए और अपना एडिटिंग करिए कोई टेंशन नहीं है तो ये रहा टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड गाइडलाइंस नेक्स्ट आता है टाइप फेस यहाँ पे आपको बता दिया है कि अगर आप टाइटल यूज करते हैं तो उसका फॉन्ट कौन सा है आपको बोल्ड रखना है या फिर साइज uh, क्या है ये सारी चीजें आपको बता दिया गया है चाहे बॉडी टेक्स्ट हो या हाइलाइटेड टेक्स्ट हो या टाइटल हो या हेडर्स हो या फिर आप कोट्स यूज कर रहे हो तो ये हो गई टाइप फेस से रिलेटेड गाइडलाइंस नेक्स्ट आते हैं ग्राफ्स अगर आप ग्राफ यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आ, कुछ भी नहीं ग्राफ के लिए वो उन्होंने पहले ही बोला है कि सिंपली इजी टू अंडरस्टैंड ग्राफ होना चाहिए और कलर्स जैसा कि उन्होंने पहले दे रखा है और हाईलाइटेड पार्ट उन्होंने बता दिया है कि इस तरीके से हाईलाइट पार्ट को आइडेंटिफाई करना है तो बस यही है ग्राफ्स में कुछ अलग सा नहीं है ये इसके बाद बाकी के स्लाइड्स में ये नॉर्मली इंस्पिरेशन देते हैं इंस्पिरेशन मीन्स एग्ज़ाम्पल्स आप ले सकते हैं कि इस तरीके से दिखेगा आपका स्लाइड तो ये हो गए अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने पिक्चर्स का यूज़ किया है तो मैं एक बार ये रिमूव करके दिखा दूँ ये यहाँ पे इन्होंने पिक्चर का यूज़ किया है अब आप विजुअल इन्हेंसमेंट में आप पिक्चर्स भी डाल सकते हैं आप अपना क्रिएटिविटी कुछ भी शो कर सकते हैं तो आप जब विज... आप जब पिक्चर डालेंगे ना तो ये पिक्चर कॉपीराइट नहीं होना चाहिए ये पिक्चर आप गूगल से कहीं से भी नहीं ले सकते हैं पिक्चर लेने का एक ही तरीका है अनस्लैश कॉम से आप पिक्चर ले सकते हैं आप अनस्लैश डॉट कॉम यहाँ पे जाए और यहाँ पे आप कुछ भी डालें कुछ भी डालें आपको जिस चीज से रिलेटेड पिक्चर चाहिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रॉयल्टी फ्री कॉपीराइट फ्री आपको इमेजेस मिल जाएगा इसके अलावा जो एक चीज़ मैंने मिस कर दी है और वो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अलाइनमेंट आप कुछ भी लिख रहे हैं कुछ भी डाल रहे हैं कुछ भी आप पिक्चर बना रहे हैं वो हमेशा स्लाइड से अलाइंट होना चाहिए अलाइंड मीन्स इक्वल स्पेसिंग पे इक्वल डिस्टेंस पे और दो बॉक्सेस अगर आप बॉक्सेस डाल रहे हैं तो दो बॉक्सेस के बीच में अलाइनमेंट होना चाहिए ऐसा नहीं है कि जैसे ये बॉक्स यहाँ है तो ये बॉक्स आप यहाँ डाल दिए हैं, ये बॉक्स यहाँ है और ये बॉक्स यहाँ है नहीं इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए अलाइनमेंट का एक ही तरीका है आप जिस चीज़ को अलाइन करना चाहते हैं वो सारी चीज़ों को सिलेक्ट करें अरेंज पे जाए अलाइन अब अलाइन आप आपस में अलाइन करना चाह रहे हैं या स्लाइड से अलाइन करना चाह रहे हैं एक ही तरीका है तो अगर अलाइनमेंट से रिलेटेड कोई आपको परेशानी है तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं मैं अलाइनमेंट से रिलेटेड एक सेपरेट अलाइनमेंट से रिलेटेड एक सेपरेट पीपीटी बना करके उसमें आपको डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि अलाइनमेंट कैसे किया जाता है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो ये थी सारी बातें गाइडलाइंस से रिलेटेड काफ़ी लोगों को गाइडलाइंस समझने में दिक्कत होती है तो ये मैं मैंने मैं नहीं कह रही हूँ कि ये बेस्ट वे है बट ये मेथड मेरे को सही लगा और मैंने यूज़ किया था और हो सकता है इससे भी इजी इससे भी सिंपल मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ बट मेरे को जो ठीक लगा मैंने वो यूज़ किया इससे भी सिंपल तरीके होंगे बट फिलहाल के लिए अगर आपके पास और सिंपल तरीके नहीं हैं तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर करें उससे मेरे को पता चलेगा कि हाँ आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं और मेरे कंटेंट से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है और अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक बटन भी दबा सकते हैं अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियो चाहिए क्योंकि ये चैनल मेरा क्वालिटी रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड था तो अगर इससे रिलेटेड चाहिए तो आप बता सकते हैं अलाइनमेंट से रिलेटेड आपको चाहिए होगा पावर पॉइंट से रिलेटेड चाहिए होगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं मैं जैसे ही मैं फ्री होंगी वैसे ही मैं एक वीडियो अपलोड कर दूँगी और आगे और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू